दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया इन हिस्टोग्राम, बेसिकली हमारे पास एक हिस्टोग्राम दिया होगा, हमें क्या करना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है जो उस हिस्टोग्राम में एग्जिस्ट करेगा, और जितने भी हिस्टोग्राम के हमारे बार्स हैं उनका जो विड्थ है वो 1 यूनिट है, राइट, और उनका कुछ हाइट है। जैसे देखो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 7 हिस्टोग्राम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ 7 बार्स हैं जो एक हिस्टोग्राम को डिनोट करता है, और हर एक बार का जो हाइट है वो दिया गया है, और सबका विड्थ कितना है, 1 यूनिट है। तो इसका मैक्सिमम एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन आपको काफी अच्छा समझाता हूँ कि क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है और आपको करना क्या है। तो देखो, जितने भी हाइट हैं वो सारे सारे हमारे बार्स के हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बना लेता हूँ यहाँ लाइन, लाइन हमारा टेढ़ा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, फिर से बनाऊंगा। मैंने क्या के लिए, आराम से मैं बना रहा हूँ, ध्यान समझो। पहले इसका हाइट है 6, तो मैं क्या करूँगा, एक 6 हाइट का बना लूँगा, फिर हमारा हाइट है 2, तो हमारा एक 2 बन जाएगा यहाँ, फिर हमारा हाइट है 5, तो एक 5 बन जाएगा, फिर एक 4 है, तो मैं 4 बना लेता हूँ, फिर एक 5 है, तो मैं 5 बना लेता हूँ, फिर एक 1 है, तो मैं यहाँ 1 बना लेता हूँ, और फिर एक 6 है, तो मैं यहाँ 6 बना लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसे इंडेक्स पहले दे दूँगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें बताना है कि इस हिस्टोग्राम में मैक्सिमम एरिया किसका होगा। तो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम एरिया इसका होगा, 4 है, इसको मैं 4 कर देता हूँ, और इसका मैं अगर एरिया निकालता हूँ, ये जो मैंने पार्ट जो हमने कवर कर रहा है, तो मैं क्या होगा, इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट यहाँ तक 4 है, इसका 4 है 4, और इसका ये 5 है, इसका ये 5 है, इसका 1 है, इसका 6, इसका 1 है, ये इसका 2 है, और इसका क्या है, 6। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4, 4, 8, 4, 12, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, 12, जो कि हमारा क्या है, मैक्सिमम है। हमें कैसे पता चला मैक्सिमम है, तो मैं सबका निकालूंगा फिर देखूंगा मैक्सिमम है, तो कैसे मुझे पता चला। तो देखो, एरिया निकालने का तरीका है, जो एरिया होता है, एरिया इसका होता है लेंथ गुने ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर ये हमारे अपने में क्या है, ये अपने में क्या है, एक बार है, और इसका हमारे पास क्या है, विड्थ कितना है, 1 है, क्योंकि सबका विड्थ 1 है, और हाइट कितना है, 6, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर मैं अगर 2 को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ, ध्यान समझो, हमने सिर्फ इसका एरिया निकाला जब 2 हो गया, अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूँ तो एरिया कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे, सर अगर 2 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, 2 को, तो मैं 2 को तो इतना इंक्लूड कर पाऊंगा, एरिया इसका 2 हो जाएगा, और इसमें से इतना ही इंक्लूड कर पाऊंगा, इतना मतलब इतना मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, इतना इतना क्यों, मैं इसको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं हाइट 2 ले रहा हूँ तो इसके लेफ्ट में हाइट 2 कहाँ तक है, जहाँ तक है वही ना मैं ले सकता हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ मैं 6 लिया हूँ, और इसमें और मैं एरिया अगर इंक्लूड करना चाह रहा हूँ तो इसका हाइट तो 2 ही तक है, तो इसका तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो जो 2 है, 2 मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, यहाँ तक, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, इसका एरिया एक 6 हो गया, एक 4 हो गया, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा, अगर 5 को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँ 2 में, तो क्या मैं इंक्लूड कर पाऊंगा, 5 को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2 को, इतना मैं 2 को कर पाऊंगा, फिर 2 को मैं यहाँ कर सकता हूँ, 2 को इसका भी कर सकता हूँ, 2 को यहाँ, मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, मतलब 2 हाइट में मैं यहाँ तक एरिया निकाल सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 8, 2 × 10, 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं सबका करूंगा, तो मैं देख रहा हूँ, मैंने क्या देखा, मैं देख रहा हूँ कि मैं एक दूसरा एक मार्कर लेता हूँ, पहले मैं देख रहा हूँ कि जो ये एरिया है रेड कलर का, मैं जो बना रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही सबसे मैक्सिमम होने वाला है, सबसे यहाँ तक सबसे मैक्सिमम होगा, जिसका हाइट कितना होगा, अगर मैं इसका निकालूंगा, जिसका जो एरिया होगा कितना होगा, 12, यही हमारा मैक्सिमम आएगा। तो होगा कैसे, राइट, कैसे मुझे पता चल रहा है कि एरिया क्या होगा, तो अब ध्यान समझो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें ध्यान से बताने की कोशिश कर देता हूँ, अभी मैंने इसको मिटाना भी शुरू किया है, और मैं क्या करता, मैं सबको मिटा ही देता हूँ, राइट, ताकि समझ में आए, तो ध्यान समझो, क्योंकि देखो एक बार इसको समझ लोगे फिर हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं क्या कर रहा था, हर एक नंबर के लिए मैं उससे छोटा स्पेस ढूंढ रहा था, उससे छोटा हाइट, तभी मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट एक बार बना लेता हूँ, मैं यहाँ फिर से एक हाइट बना लूँगा, मैं इसका बना लूँगा 6, फिर मैं बना लूँगा 2, फिर मैं बना लूँगा 5, ये हमारा 5 है, फिर मैं बना लूँगा 4, फिर मैं बना लूँगा 5, फिर मैं बना लूँगा 1, और फिर मैं बना लूँगा क्या, 6, ये हमारा 6 है, मैं इसका भी हाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसका इरेजर लूँगा और इसका बढ़ा दूँगा,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि 6 मुझे दिखे। ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 6, ये हमारा 2, ये हमारा 5, 4, 5, 1, 6। ये इतना समझ में आ गया, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना मुझे समझ में आ गया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर अगर मुझे 2 ऐसा एरिया चाहिए जिसमें 2 का जो हाइट है इंक्लूडेड हो, तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। मैं देखूंगा कि इसके लेफ्ट में कौन सा जो अगर बिल्डिंग है या फिर जो बार है उसका हाइट 2 से ग्रेटर है, अगर 2 से ग्रेटर है तभी मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 लेना है। अगर 2 से सपोज करो यहाँ लेस है, 1 है, तो मैं क्या 1 को ले सकता हूँ? मैं 1 को नहीं ले सकता हूँ, तो फिर मुझे हाइट से घटाना पड़ेगा। तो मैं 2 को यहाँ तक जा सकता हूँ, फिर मैं 2 को यहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ तक मैं यहाँ तक एरिया ले सकता हूँ, राइट। वैसे मुझे 5 पे जाना था, 5 को मैं कहाँ तक ले सकता हूँ? 5 को मैं यहीं तक ले सकता हूँ। फिर मुझे 4 के पास जाना है, 4, तो 4 तक मैं कहाँ ले सकता हूँ? मैं देखूंगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में, मैं हाँ इसमें ले सकता हूँ क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है। फिर मैं इसका ले सकता हूँ, इसका हाइट ज़्यादा है, तो मैं इतना 4 में ले सकता हूँ, जिसका हाइट 4 हो उसको मैं यहाँ तक ले सकता हूँ। तो इसका लिए निकालूंगा कितना जाएगा, 12। वैसे मैं क्या करूँगा, 6 को कहाँ तक ले सकता हूँ? तो 6 को मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, तो इसका एरिया 6 हो जाएगा। मैं 2 को कहाँ ले सकता हूँ? तो 2 को 1, 2, 3, 4, 5 हो, इसका एरिया जाएगा 10। फिर मैं 5 को कहाँ ले सकता हूँ? 5 को सिर्फ 5 ले सकता हूँ, तो एरिया जाएगा 5। मैं 4 को कहाँ तक ले सकता हूँ? यहाँ तक, और यहाँ तक एरिया जाएगा 12। फिर मैं 5 को कहाँ ले सकता हूँ? सिर्फ 5 तक, तो एरिया जाएगा 5। फिर मैं 1 को कहाँ तक ले सकता हूँ? 1 को मैं यहाँ तक ले सकता हूँ, फिर इसके लेफ्ट में लेफ्ट, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एरिया 7 हो जाएगा। फिर मैं 6 को कहाँ तक ले सकता हूँ? सिर्फ 6 को ले सकता हूँ, तो 6। और इन सब का देखो हमारा मैक्सिमम एरिया क्या है, 12। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12। तो आई थिंक अभी आपको क्वेश्चन एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको बहुत विधिवत तरीका समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा अप्रोच कैसे करना है, तो प्लीज आप ध्यान से देख लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा। हम मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अगर 2 के पास मैं जा रहा हूँ तो 2 का मैं नेक्स्ट ग्रेटर, 2 का मैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट खोज रहा हूँ, तो क्या है 6। तो जब तक मुझे ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा तब तक मैं इसके लेफ्ट में जाते रह रहा हूँ। और वैसे ही मैं अगर मैं 4 के पास गया, 4 के पास, तो मैं देख रहा हूँ जो 4 है, 4 4, अगर मैं 4 को देख रहा हूँ, 4 को, तो मैं देख रहा हूँ क्या इसके लेफ्ट में भी 4 से ग्रेटर एलिमेंट है, हाँ ग्रेटर एलिमेंट है, तो मैं इसका मतलब क्या, मैं इसका भी ले सकता हूँ एरिया। मैं इसको चेक करूँ क्या इसके राइट में भी कोई ग्रेटर एलिमेंट है, मैं इसको भी चेक कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसके प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट में खोज रहा हूँ, और मैं इसके प्रीवियस स्मॉलर खोज रहा हूँ, बेसिकली प्रीवियस स्मॉलर तक मैं जा रहा हूँ। प्रीवियस स्मॉलर जैसे 4 है, तो इसका प्रीवियस स्मॉलर क्या है, मैं देख रहा हूँ 5 स्मॉलर है, नहीं है क्या, 2 स्मॉलर है, हाँ 2 स्मॉलर है। जब 2 स्मॉलर है तो मतलब इससे एक पहले तक मुझे जाना है, यहाँ तक। वैसे ही 5 का स्मॉलर क्या है, 1। 4 का स्मॉलर क्या है, 4 का स्मॉलर, 5 स्मॉलर है, नहीं है, 1 स्मॉलर है, हाँ मतलब यहाँ तक जाना है और इस एरिया को कैप्चर कर लेना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, चूंकि मैं 2 स्मॉलर का यहाँ कंसेप्ट देख रहा हूँ, 2 स्मॉलर में देख रहा हूँ, तो मैं बस इसी का कंसेप्ट यहाँ लगा लूंगा और बना दूंगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, अब ध्यान समझ, मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट का एक निकालूंगा प्रीवियस स्मॉलर और एक निकालूंगा नेक्स्ट स्मॉलर, बेसिकली इसका इंडेक्स वैल्यू निकालूंगा, ध्यान समझे ध्यान से। तो जैसे इसका हाइट 7 खंड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन गया, फिर इसका 7 में बना लूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगर 5 है, 5 का मुझे एरिया निकालना है इस हाइट तक का, तो मैं इसके स्मॉलर एलिमेंट को देख रहा हूँ कि 5 अगर इससे स्मॉलर कहाँ तक है, मैं वहीं तक ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं 4 पर जा रहा हूँ, 4 पर, तो मैं 4 जो हाइट है मैं कहाँ तक ले सकता हूँ? मैं इसके लेफ्ट में जाऊँगा, फिर इसमें राइट में जाऊँगा, मैं देख रहा हूँ जो इसको 4 है इसके लेफ्ट में 2 जैसे स्मॉलर है, मतलब 2 से एक ग्रेटर यहाँ तक मैं ले सकता हूँ 5 तक। क्यों? क्योंकि 4 से एक ग्रेटर है लेकिन 2 इससे क्या है, स्मॉलर है, राइट। तो इसके प्रीवियस स्मॉलर और प्रीवियस और नेक्स्ट ग्रेटर इतना मैं निकालूंगा, नेक्स्ट स्मॉलर इतना मैं निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं 1 के पास जाऊंगा 6 के लिए, 6 का प्रीवियस स्मॉलर क्या है, कुछ नहीं है, तो -1। 2 जाऊंगा 2 के पास, 2 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, कुछ नहीं है, तो -1। 5 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, 2, तो मैं क्या करूंगा इसके इंडेक्स वैल्यू वहां रख लूंगा। इसका मुझे इंडेक्स वैल्यू रखना है क्योंकि मुझे नंबर से मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है, इसका इसका हाइट, इसका विड्थ निकालना है। विड्थ जैसे सपोज कर लो अगर 4 है तो वो यहाँ से लेकर 2 से लेकर 4 तक कर रहा है, तो इन दोनों का मुझे विड्थ निकालना है कि विड्थ कितना हो रहा है, राइट। तो मैं 4 के पास जाऊँगा, 4 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, मैं देख रहा हूँ 2 है, तो 2 का क्या होगा, 1 हो जाएगा। मैं 5 के पास जा रहा हूँ, इसका भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्मॉलर 5 का 4 हो जाएगा, मतलब इसका 3। फिर मैं जाऊँगा 1 के पास, नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, कुछ नहीं, तो -1। मैं जाऊंगा 6 के पास, नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, कुछ नहीं, तो 5। इसका इंडेक्स वैल्यू मैंने लिख दिया, मैंने क्या किया, इसका इंडेक्स वैल्यू लिख दिया।
अब मैं नेक्स्ट स्मॉलर निकालूंगा, नेक्स्ट स्मॉलर, सिक्स का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है? कुछ नहीं, जब कुछ नहीं है तो मैं क्या रख दूंगा, सिक्स का सेवन रख दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ है, और इधर क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा, इधर कुछ नहीं है। तो जब लेफ्ट स्मॉलर है मतलब प्रीवियस स्मॉलर, उसके लिए मैं -1 रखूंगा, और जो नेक्स्ट स्मॉलर है नेक्स्ट स्मॉलर उसके लिए मैं क्या रख दूंगा, -1। इसके लिए नहीं रखूंगा, इसके लिए मैं जो एन का वैल्यू रख दूंगा, अगर एन का वैल्यू 7 है मतलब 7 एलिमेंट है तो 7 रख दूंगा। क्यों? वो बाद में समझ में आएगा। इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे देखो अगर यहाँ 6 है और यहाँ 0 है तो इसका मुझे वैल्यू निकालना ना है, इसका मुझे क्या निकालना है, विड्थ निकालना है। तो अगर सपोज कर लो इसका कुछ नहीं, तो अगर मैं -1 रख दिया और इसमें से मैं 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ऊपर से लेंथ गड़बड़ आ जाएगा। तो मुझे उसका लेंथ चाहिए ना, विड्थ चाहिए मुझे बेसिकली, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपको ध्यान समझने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी समझ में आता है, नहीं तो समझ में आता ही नहीं। अब जाऊंगा 1 के पास, 1 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर कुछ नहीं है तो क्या रखूंगा मैं 7। मैं जाऊंगा 5 के पास, 5 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, इसका नेक्स्ट वैल्यू 5 है। 4 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, 1, इसका नेक्स्ट वैल्यू 5 है। 5 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, 4, इसका नेक्स्ट वैल्यू 3 है। और 4 का हमने निकाल लिया, 5 का निकाल लिया। फिर 2 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, 1 है, इसका नेक्स्ट वैल्यू 5 है। फिर 0 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, 2, इसका नेक्स्ट वैल्यू 1 है। अब देखो अब हमने निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, अब एरिया निकालना है। अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए जैसे 6 का, 6 के लिए एरिया क्या होगा, जो 6 का हाइट है, 6 का हाइट इंटू इसका विड्थ, इसका विड्थ कितना है, 1 है, क्योंकि हर एक का यूनिट 1 है। तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, जो हमारा राइट पार्ट है मतलब नेक्स्ट स्मॉलर जो है राइट पार्ट, ये हमारा बेसिकली लेफ्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है। तो मैं क्या करूँ, राइट ऑफ एस मतलब 1 माइनस लेफ्ट ऑफ एस -1 और -1 कर दूंगा। तो 1 + 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1। मतलब 6 अगर मैं हाइट लूंगा, 6 हाइट, तो उसका विड्थ अगर 1 है तो एरिया क्या हो जाएगा, 6। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इसका एरिया हमारा 6 हो जाएगा। अगर 6 में हाइट ले रहा हूँ तो एरिया कितना हो जाएगा, 6। अब ध्यान समझो, मैं 1 क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं 1 इसलिए कर रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ 1 में आप क्यों कर रहा हूँ। जैसे देखो अब 5 के लिए मैं जाऊँगा तो 2 के लिए मैं एरिया कहाँ तक ले सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ 2 के लेफ्ट में यहाँ जा सकता हूँ, 2 के राइट में यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ले सकता हूँ। तो इसका विड्थ कितना आएगा, विड्थ कितना आएगा, तो आप लोग सर विड्थ हमारा 4 - 0, 4 - 0 कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 4, लेकिन विड्थ कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो मैं क्या करूँगा, देखो तो मैं क्या करूँगा, 5 माइनस, ये -1 है, -1 और -1 में कर दूंगा, तो क्या देगा, 5 - -1 6 - 1 मतलब 5। तो हमारा रहा है, इसलिए मैं -1 कर रहा हूँ, ताकि जब -1 करूँगा तो 5 आ जाएगा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो, तब समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रॉब्लम ही है, मैं आपको बहुत आसान तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर 2 का मैं हाइट लूंगा, 2 का, तो कहाँ तक एरिया निकल जाएगा, जिसका मैं विड्थ देख लिया 5 और जो हाइट है 2, मतलब 2 × 5 = 10। अगर 2 में ले रहा हूँ तो एरिया कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा 5, अगर मैं विड्थ 5, अगर मैं लेंथ 5 ले रहा हूँ मतलब हाइट 5 ले रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा, 3 - 1 - 1, 3 - 1 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 2 मतलब 1, मतलब 5 का लेंथ का 1 ही है तो सिर्फ 5 हो जाएगा। वैसे मैं 4 का निकालूंगा तो 5 - 1 - 1, 5 - 2 - 3, मतलब 4 का जो है 3 तक ले सकता हूँ, तो 4 × 3 = 12, तो इसका 12 हो गया। फिर जो 5 का मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, 5 का मैं कहाँ तक, 5 - 3 - 1 - 4, इसका मतलब 1 ही ले सकता हूँ। फिर 1 का मैं कहाँ ले सकता हूँ, 1 का मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, 7 - -1 - 1, यानी 7 + 1 - 8 - 1 - 7, यानी 1 के लिए मेरा एरिया 7 हो जाएगा, और 6 के लिए मुझे एरिया कितना हो जाएगा, 6। तो इन सब का हमें मैक्सिमम निकालना है, जो क्या है, 12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, अरे हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ किया ही नहीं है, हम हर एक एलिमेंट का प्रीवियस स्मॉलर निकाल रहे हैं, हर एक एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर निकाल रहे हैं, और बेसिकली उसका इंडेक्स हम रख रहे हैं ताकि मैं विड्थ को निकाल सकूं। मैं इंडेक्स को क्यों रख रहा हूं, ताकि मैं विड्थ को निकाल सकूं, अगर मैं एलिमेंट को रखूंगा तो विड्थ को मैं नहीं निकाल पाऊंगा, राइट। तो प्रीवियस स्मॉलर और नेक्स्ट स्मॉलर में बेसिकली निकाल रहा हूँ, और फिर एरिया हमारा निकल जा रहा है। तो अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कीजिएगा तो ओ ऑफ एन लग जा रहा है, और स्पेस मेरा ओ ऑफ एन लग ही रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार ट्राई रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया, हमने एक प्रीवियस स्मॉलर निकाला है, और फिर हमने नेक्स्ट स्मॉलर, प्रीवियस स्मॉलर का कोड क्या है, ए है, जो हमारा प्रीवियस स्मॉलर निकाल के देगा, बेसिकली उसके इंडेक्स वैल्यू को हम रख रहे हैं, उसे देखो एरे ऑफ एस का टॉप, मेरे मतलब मैं इंडेक्स वैल्यू को रख रहा हूँ ताकि मैं विड्थ निकाल पाऊँ, विड्थ। वैसे मैं एक नेक्स्ट स्मॉलर निकाल रहा हूँ, तो हमारा नेक्स्ट स्मॉलर का कोड है। ए मैं बता क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रीवियस स्मॉलर, नेक्स्ट ग्रेटर,
प्रीवियस ग्रेटर, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है मैं पहले से अपने चैनल पर बनाकर डाला हुआ हूँ, जिसको काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हमारा निकल गया प्रीवियस स्मॉलर। अगर आपको स्टैक बेस्ड अप्रोच पता नहीं है प्रीवियस स्मॉलर और नेक्स्ट स्मॉलर कैसे निकलते हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इतना निकालने के बाद आपने निकाल लिया, दो एरिया आपके पास बन गया। फिर अब क्या करना है, जो भी आपका बार है उसका लेंथ है, वो हमारा लेंथ हो गया, और ब्रेथ क्या हो गया, नेक्स्ट ऑफ आई माइनस प्रीवियस आई माइनस वन, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको क्या किया है बताया है, राइट ऑफ आई माइनस लेफ्ट ऑफ आई, राइट ऑफ आई माइनस लेफ्ट ऑफ आई और माइनस वन। माइनस वन क्यों करना है, ताकि विड्थ हमारा बरकरार रह सके, विड्थ हमारा एक्चुअल आ पाए। ठीक, इतना समझ में आ गया। और लास्ट में उसका मैक्सिमम हमें लेंथ ब्रेथ और उसका मैक्सिमम मतलब एरिया से निकालना है, और मैक्सिमम से कंपेयर करना है, और लास्ट में मैक्सिमम रिटर्न कर देना है। और सेम टू सेम यही सोल्यूशन आपको जावा में देखने को मिलेगा, इसमें कुछ अंतर नहीं है। हमने इसमें क्या किया है, नेक्स्ट स्मॉलर और नेक्स्ट स्मॉलर राइट और नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट बना लिया है। एक हमारा नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट निकालेगा और एक नेक्स्ट स्मॉलर हमारा राइट निकालेगा, और इसमें हम लेंथ निकाल देंगे, उसके विड्थ निकाल लेंगे और करंट एरिया निकाल लेंगे, और कंपेयर कर लेंगे मैक्सिमम क्या है और मैक्सिमम एरिया निकाल देंगे। तो चलिए मैं आपको कोड अपन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको डीएसए का काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स चाहिए, तो आप इस लिंक पर जाकर ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, या फिर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे जो डीएसए है ये वीडियो के थ्रू समझ में आता है, तो आप इस लिंक पर जाकर ले सकते हैं। एक बार लेने पर आपको सी प्लस प्लस और जावा दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लॉगिन कूपन कोड गलती से भी यूज कर दिए, तो आपको 15% का डिस्काउंट देखने को उसी समय मिल जाएगा जीएफजी के किसी भी कोर्सेज पर। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो आप जाओ उसको भी चेकआउट कर लो। तो चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोड अप रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, अभी आपको कोड रन करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड है जो मैंने आपको बताया है। हमने क्या किया है, प्रीवियस स्मॉलर निकाला है, हमने क्या किया है नेक्स्ट स्मॉलर निकाला है, और फिर उसका एरिया हमने निकाल दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबमिट कर दूंगा। आपको ड्राई रन करना बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपको ड्राई रन कर दिखाया हूँ अलग अलग एक्जुलरी एरे बनाकर, वैसे ही आपको बनाना है, ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। राइट, तो ये देखो हमने इसको रन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, आपको जावा का कोड दिखा दूंगा। तो ये हमारा जावा का कोड सेम टू सेम वैसा ही कोड ये भी है, रिवर्स निकाला है फिर नेक्स्ट निकाला है। और आपको यार ड्राई रन करना है, और वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहा है। और जो क्वेश्चन था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश किया है। और आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दो कि